अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वीडियो में देखें आप ईद मिलने की दुआ और साथ में ईद उल फितर की वो सुन्नतें जो सहाबा कराम अदा किया करते थे। ईद का चांद देखकर तकबीरात पढ़ना शुरू करना। तकबीरात अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। नमाज़े ईद उल फितर से पहले सदका फितर अदा करना ये बहुत ज़रूरी और हर एक पे फ़र्ज है। ईद की नमाज के लिए गुसल करना, ईद की नमाज के लिए अच्छा लिबास पहनना, खुशबू लगाना और मसवाक करना। नमाज़े ईद उल फितर से पहले ताक अदाद में खजूरें खाना। नमाज़े ईद उल फितर के लिए ईदगाह जाना, ईदगाह पैदल जाना, अपने दोस्तों और अहबाब के साथ ईदगाह जाना, घर से ईदगाह जाने तक तकबीरात कहना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ईद उल फितर के लिए एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना। ईद उल फितर की मुबारकबाद इन अल्फाज में देना, तकब्बलुल्लाहि मिन्नी व मिनक, अल्लाह मुझसे और तुमसे कबूल फरमाए। इस पोस्ट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हम की सुन्नतें बयान की गई हैं। ईद उल फितर नमाज से पहले तमाम लोग इसको शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर वीडियो आसानी से